गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं अपना ब्लॉग देखिए एकदम सुबह से यानी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हो रहा होगा 5:30। अंधेरा है, ठंडी के समय कुछ अंधेरा रहता है। 6 बजे उजाला होता है, 5:30 हो रहा है इस समय। तो मेरे किचन में थोड़ा अंधेरा है और मैंने लाइट नहीं जलाया है, इसलिए साफ नहीं आया है। तो सुबह जैसे काम होता है बस चाय वगैरह बनाने का, तो मैं चाय बना रही थी और ये देखिए मैं कहाँ निकल गई। यानी कि बस सुबह उठी और नहा धो के ब्रश वगैरह होके बस मैं कहाँ निकल गई, मैं और मेरे हस्बैंड। सब आपको पता चलेगा मेरे वीडियो में, आप मेरे वीडियो में बने रहना और मेरे वीडियो को स्किप मत करना। अगर नहीं तो आपको नहीं मालूम चलेगा मैं कहाँ गई, किस लिए गई, आखिर क्या कारण था कि सुबह उठ के बस मैं सीधे निकल गई। तो बहुत ज़रूरी काम था इसलिए हम लोग गए थे। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि मैं आई हूँ इलाहाबाद और मुझे जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी काम था। आखिर क्या हो गया हम लोगों को कि हम लोग अचानक जो है सुबह सुबह चल दिए। तो हम लोग बस यह देखिए जो ये था इलाहाबाद की सड़क थी। तो हम लोग देखिए कहाँ पे आए हैं, देखिए पैथोलॉजी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि पैथोलॉजी आदमी क्यों आता है, कोई जांच वगैरह करवाने की। और हम लोगों को क्या हो गया है, क्या इस समय जो फैल रही है बीमारी वो हो गया है, डेंगू हो गया है, क्या हो गया है, सब पता चलेगा आप लोग को। आप हम लोग का वीडियो पूरा देखना, आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर हम लोग जो है ब्लड दे रहे थे चेक करवाने के लिए। तो जो ये हैं, ये हम लोग का ब्लड निकाल लेते सबसे पहले। तो पहले मेरा ब्लड निकाले, उसके बाद फिर हस्बैंड का ब्लड निकाल रहे थे। तो बस ब्लड निकाल रहे, तो काफ़ी लग रहा था इंजेक्शन जब ये ब्लड निकाल रहे थे तो, और रेड भी हो गया था क्योंकि जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द तो होता ही है, तो मुझे भी दर्द हो रहा था। उसके बाद फिर हस्बैंड ने भी ब्लड दिया क्योंकि उनको भी चेक करवाना था, कुछ प्रॉब्लम थी हम लोगों के साथ। तो हम लोग काफ़ी दिन से परेशान थे, सोचे कि अब तो हम लोग बस ब्लड चेक करवाए थे कि हम लोग को मालूम चल जाए कि किस लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्या है। तो बस हस्बैंड ने भी ब्लड दिया। तो एक बार हस्बैंड ने हस्बैंड को खाली पेट देना था ब्लड, तो उन्होंने खाली पेट दिया, फिर उसके बाद खा के देना था। ये देखिए मैं अपने मायके आ गई हूँ और शीशे में मैं देख रही थी, यहाँ मेरी जो भाभी हैं, छोटी भाभी हैं, खाना बना रही थी हस्बैंड के लिए क्योंकि उनको खाना खाने के बाद ब्लड चेक करवाना था। एक बार खाली पेट चेक करवाना था, उसके बाद फिर खाना खाने के बाद चेक करवाना था। तो वो खाना खा रहे थे और एकादशी का दिन था, एकादशी के दिन हम लोग का तो सब लोग का फास्ट था। तो बस वो जो है मैंने उसे कहा तो मेरी जीजा जी के कारण खाना बनाना पड़ा, तो कहीं नहीं दीदी बच्चों के लिए भी खाना बनाना था। और वो अब वो बच्चों को लेने स्कूल जा रही थी, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, काफ़ी लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी से जा रही थी लेने। और देखिए ये जो है बच्चे स्कूल से आ गए, तो स्कूल से आने के बाद बच्चे काफी खुश थे, तो मैं कह रही थी कुछ बोलो, तो दोनों लोगों को प्यास लगी थी, बस पानी दोनों पी रही थी, तो शर्मा रही थी कि मैं क्या बोलूं बुआ। यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया था, वो भी फास्ट था, और मेरे चाचा चाची भी आए थे, उनको भी कुछ काम था तो वो भी आए थे, तो उनसे भी मुलाकात हो गई। तो अच्छा लगा उनसे भी मिलकर कि सबसे मुलाकात हो गई साथ में, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले थे इनसे। अब वकील साहब जी आ गए। जी दीदी अभी जाएंगे क्या फिर? क्लाइंट वेट कर रहा है। अच्छा चलिए भाई, मेरे भाई है।
यहाँ देखिए बच्चे स्कूल के स्कूल से आने के बाद तुरंत मोबाइल ले लिए हैं, देखने लगे हैं। सब लोग जानते हैं कि आजकल के बच्चे बस स्कूल से आते हैं तो उनको मोबाइल चाहिए देखने के लिए, तो लोग भी कार्टून देख रही थी। तो बस खाना खाने के बाद हस्बैंड को फिर से ब्लड चेक करवाना था, तो उन्होंने फिर से ब्लड चेक करवाया और अब मैं आ गई हूँ अपनी नंद के यहाँ। तो बस ये मेरी नंद के छत पे आई थी, उन्होंने काफ़ी गार्डनिंग की थी, काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ देखे, कमल के फूल बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने पेड़ पौधे फूल लगाए, इनका बहुत ज़्यादा खिला था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं छत पे आ गई थी रिकॉर्ड करने के लिए, सोची कि आप लोग को दिखा दूँ। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर इन्होंने लगाए हैं, काफ़ी मेहनत करती हैं ये अपने गार्डनिंग करने के लिए और काफ़ी टाइम भी निकालती हैं इनको सजाने के लिए। जब टाइम निकालोगे आप तभी पेड़ पौधे भी अच्छे होते हैं। और ये है मेरे नंद की बहू, तो ये जो है किचन में कुछ नाश्ता बना रही थी। हम लोग का तो फास्ट था तो मैं तो खा ली थी, लेकिन बोली कि मामा जी कुछ नहीं खाए हैं, तो ये मामा जी के लिए जो है प्याज की पकौड़ी बना रही थी। ये देखिए बहन भाई दोनों बात करने में अपना बिजी हो गए हैं, इन दोनों लोग बात कर रहे हैं। और ये है मेरे जीजा जी, ये भी ऑफिस से आ गए हैं। कॉलेज से आ गई, बहुत स्मार्ट लग रही हो ड्रेस में, मजा आया कॉलेज में? बोरिंग था, तो ये फ्रेंड्स वगैरह मिल गई, मम्मी बता रही थी बहुत खुश हो इस कॉलेज में। लेकिन बहुत स्मार्ट लग रही हो, नजर न लगे तुमको। मेरी नंद की बेटी जो कि कॉलेज से आई थी अभी, और देखिए एकादशी का दिन था तो एकादशी के दिन हम लोग दिया जलाते हैं, तो यहाँ दीदी जो है दिया जला रही हैं, तो हम लोग भी सोचे कि दिया जला रहे, हम लोग भी थोड़ा सा सब लोग घर में रख देते हैं, तो कह रही थी कि मैं जला दे रही हूँ, सब लोग तुम लोग रख दो। उनका घर बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं कही कि दीदी मैं आपके घर का क्लिप ले रही हूँ, क्योंकि जब लाइटिंग वगैरह होती है तो घर बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे जीजा जी जो है पटाखा बजा रहे हैं, और जो है पटाखा बज रहा है, ये जो अनार है, अनार की जो लाइट होती है बहुत ही सुंदर लगती है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और घर भी कितना सुंदर लग रहा है, पूरा लाइट से सजा हुआ है। एकादशी का दिन था और हम लोग सब लोग एक साथ में थे, तो थोड़ा सा पटाखा वगैरह बजाया जाए, एंजॉय किया जाए, तो हम लोग छत पे आ गए थे। हम लोगों ने खूब सारा पटाखा बजाया, हस्बैंड ने बजाया, जीजा जी बजाए, उनकी बेटी भी बजाई, हम लोग सब लोग मिलके बजाए, बहुत अच्छा लगा था। उनके पेड़ जो है फ्लावर थे, मैं पूछ रही थी कि ये कौन सा है, ये कौन सा, सब उसका नाम पूछ रही थी, तो उनकी बहू जो है, उनकी बहू का नाम है प्रिया, तो प्रिया तो सब लोग सबको बता रही थी कि ये वाला फ्लावर है मामी जी, ये फ्लावर है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा पटाखा बजाया, सब लोग बजाया, लाइटिंग वगैरह बजाई, तो बहुत ही मज़ा आया, इंजॉय किया हम लोगों ने। बजा दीजिए आप भी, दीजिए जी, दीजिए दीजिए भी, फुलझड़ी वाली दे दीजिए। तो हम लोगों ने तो आज तो पूरी दिवाली ही मना ली, क्योंकि जो थोड़ा बहुत दिवाली का कचर था तो वो आज एकादशी वाले दिन पूरा हो गया था, और काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने सब लोग मिलके। तो रात काफ़ी हो गई थी, देख लीजिए कितना अंधेरा है, हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना रात में खाया यहाँ पे छत पे, अभी हम लोग लाइटिंग वगैरह देख रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग नीचे गए, सब लोगों ने मिलकर खाना खाया।
सुबह मॉर्निंग में दीदी ने जो तुलसी जी का विवाह किया था, तो बस मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी। काफ़ी अच्छी लगती है तुलसी जी जब सज वगैरह जाती हैं। फिर हम लोगों ने रात में जो है नंद के यहाँ बिता दी थी। फिर मॉर्निंग में हम लोगों को रिपोर्ट लेना था, तो फिर मैं अपने घर गई, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने जांच करवाई थी वो मेरे घर के पास में ही था। तो वहाँ से रिपोर्ट लेने के बाद मैं फिर यहाँ अपने घर आई। देखिए मैं अपने कॉलोनी में आ चुकी हूँ, अपने घर में आ गई, और ये देखिए दोनों छोटी बेटी हैं, बहुत इंजॉय कर रही थी, हंस रही थी। इन लोग को बहुत अच्छा लगता है जब बुआ आती है, तो कह रही थी बुआ आज भी रुकिए। तो मैं अपने यहाँ नहीं रुकी थी क्योंकि मुझे लौटना था, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी तो हम लोग उस दिन नहीं लौट पाए थे। बड़ी वाली नैनी में रहती है तो हम लोग वहाँ आ गए थे, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। आ गई? हाँ, कहाँ कहाँ गई थी? मैं अच्छे से दर्शन हुआ, हाँ। मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन खूब अच्छे से हो गया, हाँ। खूब इंजॉय भी करी, हाँ। तो ये थी मेरी बड़ी नंद की बहू, घूमने गई थी तो मैं सोची कि आप लोगों से बात करा दूं। और रात हो गई थी, रात में बिग बॉस चल रहा था तो हम लोगों सब लोग मिलके बिग बॉस देखे, खाना खाए। और मॉर्निंग में उसने जो है बहू ने यही छोला टिकिया बनाया था हम लोग के लिए, तो हम लोग यही नाश्ता करके अपने घर की तरफ निकल गए थे। और हाँ, जो आप लोगों से मैं बता दूँ कि हम लोग जिस लिए गए थे, जाँच करवाने गए थे, तो हम लोगों की रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई थी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, उस दिन हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, दवा लिया, और हस्बैंड का जो है शुगर चेक करवाने गए थे तो उनकी शुगर भी नॉर्मल थी, तो सब कुछ तो अच्छा था। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।